आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूँ फ़ोनपे ऐप के बारे में। और गाइज आप लोग यहाँ पे फ़ोनपे ऐप जब अकाउंट को लॉगिन करने के लिए जाते होंगे तो गाइज आपके सामने कुछ गाइज यहाँ पे एरर आता होगा, एनेबल टू प्रोसीड। इसका क्या मतलब है और इसका क्या सोल्यूशन है आज के इस वीडियो में गाइज मैं आपको यही बताऊँगा। कुछ लोग गाइज यहाँ पे जब अपने फ़ोनपे अकाउंट को लॉगिन करने जाते होंगे तो उसके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस चले आता होगा एनेबल टू प्रोसीड का। तो आज की इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके भी फ़ोनपे अकाउंट में कुछ इस प्रकार से एरर आ चुका है, कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम आ चुका है और आप भी अपने फ़ोनपे अकाउंट को फ़ोनपे आईडी को लॉगिन नहीं कर पा रहे, जिससे आपको काम है, आपको गाइज यहाँ पे किसी को पैसे भेजना है, कोई भी चेक करना है, तो अभी मैं आपको इस वीडियो में इसका सोल्यूशन बताऊँगा क्या इसका सोल्यूशन है, कैसे गाइज आप यहाँ पर इसे ठीक करेंगे और आप फ़ोनपे अकाउंट को गाइज यहाँ पर लॉगिन करेंगे और फ़ोनपे ऐप को यूज करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज मैं बात करने वाला हूं कि ये जो गाइज यहां पे प्रॉब्लम है वो गाइज यहां पे आता क्यों है और इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि जब भी गाइज आप यहां पे फ़ोनपे ऐप को, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा गाइज यहां पे इसमें पहले से मैं यूज करता था और मैंने एक नया स्मार्टफोन खरीद लिया और मैं गाइज यहां पे सेम इसी नंबर को इस फ़ोन में गाइज मैं यहां पे लॉगिन करने के लिए जाता हूं तो यहां पे एरर आ चुका है, या नहीं तो मेरा गाइज यहां पे जो है इसका नंबर, जो भी नंबर से मैंने फ़ोनपे अकाउंट बनाया है वो नंबर गाइज मेरा यहाँ पे इस फ़ोन में लगा हुआ है और मैं सेम नंबर को मैं चाहता हूँ कि मेरा इस फ़ोन में मेरा यहाँ पे लॉगिन कर लूँ, तो उस समय गाइज यहाँ पे इनेबल टू प्रोसीड वाला ऑप्शन आता है। नहीं तो गाइज अगर आपका इसी में नंबर लगा हुआ, इसी में फ़ोनपे है और आप इसी मोबाइल में लॉगिन कर रहे हैं फिर भी आपको इनेबल वाला ऑप्शन आ रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले गाइज आपको करना है कि गाइज यहाँ पे प्ले स्टोर ऐप में आपको फ़ोनपे ऐप सर्च करके अगर आपका एप्लीकेशन अपडेट मांग रहा है तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे आप फ़ोनपे ऐप को अपडेट कर लेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पे कभी कभी अपडेट के कारण भी गाइज यहाँ पे दिक्कत आता है। तो सबसे पहले गाइज आप यहाँ पे फ़ोनपे को अपडेट करेंगे, उसके बाद जब गाइज आप यहाँ पे लॉगिन करने जाते होंगे यहाँ पे नंबर को डालते होंगे यहाँ पे गाइज यहाँ पे प्रोसीड करते होंगे, उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको गाइज यहाँ पे आपको ओटीपी फिल नहीं करना है, आपका ऑटोमेटिक ओटीपी गाइज यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे या आप लोग गाइज यहाँ पे ओटीपी को फिल करते हैं, उसके बाद गाइज आपके पास यहाँ पे इनेबल टू प्रोसीड वाला ऑप्शन गाइज यहाँ पे आ जाता है। तो गाइज आपको सबसे पहले गाइज यहाँ पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सबसे पहले अपना नंबर को चेक कर लेना है गाइज आपने सही ओटीपी डाला है कि नहीं। अगर गाइज आपको नहीं होता गाइज यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है कॉन्टेक्ट सपोर्ट का। आप गाइज यहाँ पे पहले तो सबसे पहले काम आपको थोड़ा देर आपको वेट करना है, दो तीन घंटा चार घंटा, अगर आपका फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो गाइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसका नाम है कॉन्टैक्ट सपोर्ट का। तो गाइज आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट सपोर्ट में जाके गाइज कस्टमर केयर से गाइज यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि सर मेरा फ़ोनपे अकाउंट जो लॉगिन नहीं हो रहा, कंपनी वाले खुद गाइज चेक करके आपका गाइज यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे जिससे आप लॉगिन को कर पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से गाइज यहाँ पे आप इनेबल टू प्रोसीड वाला गाइज यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।